नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग द्वादशी तिथि व्रत के विषय में जानेंगे, जो मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से शुरू होता है। जो मार्गशीर्ष मास की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केसर नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मेरी पूजा करता है, वह वाजमेध यज्ञ का फल पाता है। राजन, जो माघ मास की द्वादशी को उपवास करके माधा नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, फाल्गुन महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अति रात्र यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ फल का भागी होता है। पांडुनंदन, वैशाख मास की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, श्रावण महीने की द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरी पूजा करता है, वह पंच यज्ञों का के फल का भागी होता है। नरेश्वर, भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। महाराज, आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गो दान का फल प्राप्त होता है। राजन, कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। नरतपे, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण में ही यदि मनुष्य भक्तियुक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरे सालोक मुक्ति को प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि का व्रत अगहन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से शुरू होकर के और अगहन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही समाप्त होता है। इस प्रकार एक वर्ष का व्रत विधान है। धन्यवाद।